स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं। अब आज के बाद एक क्लास और बचेगी, तो इस तरह आपकी ये कक्षा मध्यकालीन भारत के इतिहास की समाप्त हो जाएगी। फिर हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को शुरू करेंगे। तो इस तरह प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों भाग आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज। आज हमारा अध्ययन का जो विषय रहेगा वो सांझा रहेगा। तो शुरू करते हैं अपनी कक्षा को। सांझा, इसके बचपन का नाम खुर्रम था। जन्म 5 जनवरी 1592 को, पिता जहांगीर, माता जोधाबाई या जगत गोसाई। यह गद्दी पर बैठता है 24 फरवरी 1628 के लिए। इसकी पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज महल के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको ताजमहल बनेगा आगे चलकर। इसकी 14 संतानें हुई थी, 7 जीवित रहीं। कौन कौन सी थी? जहां आरा जो कि पुत्री थी, सबसे बड़ी पुत्री थी, दारा सिको, सुजा, ये दोनों पुत्र, रोशन आरा पुत्री, जहां आरा लगा होगा वो पुत्री होगी, औरंगजेब, मुराद और गोहर आरा जो कि पुत्री थी। तो इस तरह 4 पुत्र, तारासिको, सूजा, औरंगजेब और मुराद, और 4 पुत्री, जहाना, रोशन आरा और गोहर आरा। इस तरह इनकी 7 जीवित संतानें थी 14 संतानों में से। इसके समय में कुछ विद्रोह हुए, जैसे 1628 में बुंदेले राजा जुझार सिंह ने विद्रोह किया था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया, वो विद्रोह का दमन कर दिया। 1628-29 में अफगानों का भी विद्रोह हुआ था, खाने जहां लोदी साहब थे जिन्होंने विद्रोह किया था। 1632-33 में पुर्तगालियों का भी विद्रोह हुआ, और जून 1631 में मुमताज महल की मृत्यु हो गई, और उनकी फिर कब्र पर या मकबरा बनवाया गया, ताज महल का निर्माण करवाया आगरा में। उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल का डिजाइन बनाया था, और हमीम अहमद की देखरेख में ताजमहल बना। ये ठेकेदार थे हमीम अहमद, और उस्ताद अहमद लाहौरी ने इस ताजमहल का डिजाइन तैयार करवाया था। वास्तुकला का स्वर्ण काल माना जाता है सांझा का, और इसका महत्वपूर्ण योगदान है देश की वास्तु शैली में। देखिए लिखा हुआ भी है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। देखिए, एक मोती मस्जिद मिलेगी आपको दिल्ली में और एक मिलेगी आगरा में। एक का निर्माण आगरा वाली का करवाएगा शाहजहां, और दिल्ली वाली का करवाएगा औरंगजेब। इसलिए मोती मस्जिद कौन सी है ये जरूर देख लेना आप परीक्षा में। 1633 में अहमदनगर पर आक्रमण किया और उसको जीत कर अपने साम्राज्य में पूरी तरह मिला लिया था। शाहजहां को मोहम्मद सैयद, जिसको मीर जुमला भी कहते हैं, ने कोहिनूर हीरा भेंट किया। 1638 में इसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। इसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित 1638 में की थी, और यमुना नदी के दाहिने तट पर आगरा में शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। दाराशिको जो कि इसका भाई था, दाराशिको सॉरी इसका बेटा था, दाराशिको ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद शिर ए अकबर के नाम से किया था। उपनिषदों का इसने फारसी भाषा में अनुवाद किया था, नाम था शिर ए अकबर के नाम से। इसने ईरानी फारसी पद शैली के कवि कलीम को अपना राजकवि बनाया, यानी कि इसके राजकवि का नाम था कलीम, जो कि ईरानी फारसी पद शैली के प्रसिद्ध कवि थे। इसने सजदा प्रथा को समाप्त कर दिया। सजदा होता है कि सिर झुकाकर सजदा करना, उसने इस प्रथा को समाप्त किया। सांझा ने दारा सिको को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की। शाह बुलंद इकबाल पढ़ा लिखा लड़का था, इसका विद्वान था दारा सिको। शाहजहानाबाद में इसने जामा मस्जिद, लाल किला, चांदनी चौक इत्यादि का निर्माण करवाया दिल्ली में। दिल्ली में इसने निर्माण करवाया इन सब चीजों का। शाहजहां नामा की रचना इनायत खान के द्वारा की गई थी। बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा की गई थी, ये याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा में आ सकते हैं। आगरा में मोती मस्जिद जो कि सफेद संगमरमर का है, शीश महल,
तख्ते ताउस जो कि उसमें कोहिनूर हीरा जड़ित था उसका निर्माण करवाया। इसे कोहिनूर हीरे में मिला, इसने से अपने सिंहासन पर उसको लगवा दिया, जिसको नादिर शाह लेकर जाएगा। आगे लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया। अब इसके बाद इसके पुत्रों के बीच में युद्ध हुआ गद्दी को प्राप्त करने के लिए। जैसे अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ था, और ये युद्ध शाही सेना और औरंगजेब के बीच हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच, जिसमें औरंगजेब फिर से विजयी रहा। मार्च 1659 में देवराई का युद्ध हुआ, फाइनल युद्ध हुआ था ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा और दारा शिकोह की हत्या कर दी गई। 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की मृत्यु होती है और ताजमहल में इसको दफना दिया गया, मुमताज महल के पास में। तो इस तरह शाहजहां का जो जीवन था वो समाप्त हो गया। दो चार क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, स्थापत्य कला से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, और ज़्यादा कुछ आने का इसमें कुछ है नहीं, इसलिए इतनी सारी चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा और आपकी परीक्षा के लिए ये सब उपयोगी रहेगा। धन्यवाद आपका।